भाई बात सुनो, कितने पौधे पे? ये हैं इमरान जो कि आरिफ वाला के रिहायशी हैं। मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं। जब भी इनके घर को रिश्ते के लिए आता है, ये ऐसी आवाजें खौफनाक निकालते हैं तो रिश्ते वाले भी डर के भाग जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से अब्दुल वहाब का सलाम। ये हैं इमरान जो कि आरिफ वाला के रिहायशी हैं। एम्बुलेंस की आवाज काटता पे। हम गुल की आवाज कटदा पे जिमें ठंड लगती है। हम काने की आवाज आई है कां की। हम खोते की आवाज। आखिरी आवाज कढ़न लगा लेडीज की आवाज रह गई सी, वो कढ़न लगा वा। भाई बात सुनो, कितने पौधे पे? मैं ना कदे रबता ही नहीं किया, मैं थोड़े तो इन्नी जाहद हो गई हाँ। अच्छा ये बताएं कि कितने अरसे से ये आवाज़ें निकाल रहे हैं? छोटे होंदे तो आवाज़ा काटता पिया। अच्छा। हैं बड़ा शौक रखा सी, बेली सज्जन होंदे सी, सारे बहंदे होंदे सी। हाँ। जदों का गाय छड्या फिर बाहर आ गया। तो कद इवें भी होया भी रात को सुते पे हो तो आवाज़ा कढ़निया शुरू कर दौ तो घर वाले डर गए हो? तो बड़े ही डरे जी, बड़िया दुनिया डर गई वा। हाँ जी, मसेरे का बाला कोट का इलाका है, उत्थे कवाई का इलाका है, वो मैं आवाज़ा कढ़िया, सारे पठान तारे ला के घर सौ गए। अच्छा ये दसो बई तुहाडी शादी नहीं हुई, इहदी की वजह? इहदी शादी की वजह यही आ, मैं आवाज़ा कढ़दा कोई रिश्ता ही नहीं दिंदा। वो कहते साड़ी बीवी ना बुढ़ी ना डर जावे इंदी टैक हो जाएगा, ता करके शादी का मौका ही नहीं देंदे। कहते तू छड़ा ही रह। घर वालों भी कदे डराया इदा दी खतरनाक आवाज़ा कढ़ के? हाँ जी, घर वालों भी बड़िया डराया, आपके घर वाले भी मेरे डर गए सी राती 12 बजे तो बाद। मैं कहीं सप आ गया वा, वो सारे उठ के बह गए, मैं हसदा रहा, वो सारी रात परेशान लंघ के, वो ता ही हूँ कहते तू घर नहीं रहना।